आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आन बान शान से फहराया तिरंगा, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की थी प्रस्तुति। पंचायत परिसर में सरपंच सखरी मौर्य ने किया झंडा वंदन। नानपुर आसपास के अंचल सहित स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं गैर शासकीय कार्यालयों में आन बान शान से झंडा वंदन संस्था प्रमुखों द्वारा किया गया। भारत माता की जयकारों के साथ शासकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी पूरे नगर से होती हुई मुख्य आयोजन स्थल ग्राम पंचायत परिसर पहुंची, जहां सरपंच सखरी मौर्य ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय गीत ज्ञानदीप स्कूल के बच्चों द्वारा वाद्य यंत्रों से प्रस्तुति दी गई। ध्वजारोहण पश्चात विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पूर्व उप सरपंच जितेंद्र प्रसाद वाणी, पूर्व सरपंच मंजुला पटेल, राजेंद्र वाणी, सिराज पठान, घनश्याम माली, पत्रकार जीतू राज, प्रदीप क्षीरसागर, शफाकत दाऊदी, पत्रकार संघ अध्यक्ष मनीष माली, राजेश राठौर सहित पंचगण, पत्रकार, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से पूर्व उप सरपंच जितेंद्र प्रसाद वाणी और देवेंद्र वाणी पत्रकार ने किया। आभार पंचायत सचिव ने किया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर आभार माना। यहां भी हुआ झंडा वंदन। स्थानीय थाना परिसर में थाना प्रभारी मुकेश कनासिया, आदिम जाति सहकारी संस्था पर संस्था प्रमुख संजय बामनिया, दारुल उलूम पर पूर्व सरपंच मंजुला पटेल सहित काजी साहब ने झंडा वंदन किया। गांधी चौराहे पर पत्रकार संघ अध्यक्ष मनीष माली ने झंडा वंदन किया। इस अवसर पर सभी पत्रकार और आमजन उपस्थित रहे। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट।